हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का एक और बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ऑक्शन को लेकर के जो कि हमें देखने को मिलने वाला है आज के दिन में। 1 बजे से इस ऑक्शन को लाइव दिखाया जाएगा और आप इस ऑक्शन को लाइव देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम बात करने वाले हैं वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर जो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर बात करें पंजाब किंग्स, जहाँ तैयारियां हैं पूरी हो गई हैं और पंजाब किंग्स अपने पर्स अमाउंट का 29 करोड़ काफ़ी अच्छा खासा उपयोग करते हुए दिखाई देगी इस मिनी ऑक्शन में। दोस्तों, हम बात करें इस मिनी ऑक्शन को लेकर के, तो पंजाब किंग्स टारगेट करेगी 2 विदेशी खिलाड़ियों को और बाकी 6 बचे इंडियन खिलाड़ियों को। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स ने पूरे समीकरण को बिठा लिया रहेगा और जिस तरीके से उनको 2 विदेशी खिलाड़ी चाहिए, वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर, उनके लिए पंजाब किंग्स ने पूरी भूमिका तैयार कर ली होगी। दोस्तों, बात करें इसी के साथ पंजाब किंग्स के जो हेड कोच हैं ट्रेवर बेलिस, वो ऑक्शन के लिए पहुंच चुके हैं दुबई। ऐसी बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और दोस्तों, ये मिस करते हुए आ रहे हैं सिडनी थंडर का जो मैच होने वाला है बीबीएल में, उसको इन्हें मिस करना पड़ेगा। ऑक्शन के लिए ये जो है दुबई आए हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स ने इनके ऊपर सारा प्रेशर छोड़ दिया है कि आप जो है खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें और आप ही जो है हमारे स्क्वाड काफ़ी अच्छा और मजबूत बनाएं। तो देखना दिलचस्प होगा पंजाब किंग्स किन खिलाड़ियों को खरीद। दोस्तों, हम बात करें पंजाब किंग्स इस ऑक्शन में काफ़ी बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगा सकती है जो कि हमें ट्रेड होते दिखाई देंगे इंडियन और फॉरन खिलाड़ी के रूप में। मनीष पांडे, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, उसके बाद ऑप्शन में आएंगे सरफराज खान, करुण नायर भी अवेलेबल रहेंगे, कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया जैसे गेंदबाज जो है पंजाब किंग्स टारगेट कर सकती है अपने गेंदबाजी लहर में और संतुलन पैदा करने के लिए। पंजाब किंग्स टारगेट कर सकती है ऋतिक शौकीन को, पंजाब किंग्स टारगेट कर सकती है अवरेज शमसी को। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पंजाब किंग्स के स्क्वाड में स्पिन और तेज गेंदबाजी को काफ़ी अच्छा मजबूती प्रदान करेंगे। उसके बाद पंजाब किंग्स देख सकती है बल्लेबाज के रूप में ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल को। पैट कमिंस काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, तेज तर्रार गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी इस ऑक्शन में अवेलेबल रहेंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा पंजाब किंग्स अपने स्क्वाड को किस तरीके से संवारती है इस मिनी ऑक्शन में। और आपके ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पंजाब किंग्स उन्हें जरूर टारगेट करें इस सीजन के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।